हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। पिछले वीडियो में हमने एक एंटीकोगुलेंट के बारे में बात की थी, EDTA। इसी क्रम में एक और एंटीकोगुलेंट के साथ हम हाजिर है और इस बार का एंटीकोगुलेंट है सोडियम साइट्रेट या सोडियम सिट्रेट। यह मुख्य रूप से दो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है 3.2%, जिसे ट्राई सोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है, और दूसरा है 3.8%, जिसे लिक्विड ट्राइसोडियम सिट्रेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो यह दोनों एंटीकोगुलेंट हमारे लैब में एंटीकोगुलेंट के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। यह एंटीकोगुलेंट EDTA की तरह ही कैल्शियम पर काम करता है, अर्थात इसकी कैल्शियम चिलेटिंग प्रॉपर्टी है, जो कि कैल्शियम को प्रिसिपिटेट करके कोगुलेशन को रोकता है। आप जानते हैं कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यदि इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर में से किसी भी एक फैक्टर को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसके कारण ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। तो अगर हम किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, जैसे इस मामले में कैल्शियम को अगर हम रिमूव कर देते हैं, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इस कारण इसको एंटीकोगुलेंट कहा जाता है, जो कि क्लॉटिंग को रोकता है। तो यदि हम लैब में इसके उपयोग को देखें, तो मुख्य रूप से आपको दो ट्यूब दिखाई देती है, जिसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में सोडियम साइट्रेट का उपयोग लिया जाता है। और वह दो प्रकार की ट्यूब है। एक तो है लाइट ब्लू कलर के टॉप वाली ट्यूब, जिसे हम कोगुलेशन स्टडी में उपयोग में लेते हैं, और दूसरी है ब्लैक, जिसको हम ESR टेस्ट के लिए उपयोग में लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाइट ब्लू कलर के टॉप वाली अगर सोडियम सिट्रेट वाली ट्यूब की बात करें, तो यह मुख्य रूप से कोगुलेशन स्टडी में उपयोग में ली जाती है। जैसे अगर आपको PTT टेस्ट करना है, PTT टेस्ट करना है, APTT टेस्ट करना है, या फाइब्रिनोजन टेस्ट करना है, तो इसके लिए आपको लाइट ब्लू टॉप वाली ट्यूब उपयोग में लेनी पड़ेगी। और उस ट्यूब में आप देखेंगे कि उसमें आपको लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशन दिखाई देता है। यह सॉल्यूशन सोडियम साइट्रेट है। तो अगर आप ब्लू टॉप वाली ट्यूब में देखेंगे, तो सॉल्यूशन आपको एक मार्क तक दिखाई देगा और ऊपर एक और मार्क दिखाई देगा, जहाँ तक आपको ब्लड लेना होता है। तो इस लिक्विड से आप समझ गए होंगे कि यह जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो इसमें जो सोडियम साइट्रेट होगा वो 1 पार्ट सोडियम साइट्रेट होगा और 9 पार्ट आपको ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा। अर्थात अगर आप उस मार्क तक ब्लड ले लेते हैं, तो आपका 1:9 का डाइल्यूशन बनेगा। अर्थात इसमें आपका 0.5 ml सोडियम साइट्रेट होगा और 4.5 ml आपका ब्लड होगा। तो इसमें याद रखी जाने वाली बात है कि लाइट ब्लू टॉप वाले ट्यूब में कोगुलेशन स्टडी के टेस्ट होते हैं, जैसे PTA, APTT, और इसमें जो डाइल्यूशन होगा 1:9 का होगा और यह ट्यूब कोगुलेशन स्टडी के लिए होगी। दूसरी ट्यूब जिसमें आपको सोडियम साइट्रेट दिखाई देता है, वह है ब्लैक टॉप वाली ट्यूब, जिसमें हम ESR के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें आपको ट्यूब में लिक्विड पार्ट में सोडियम साइट्रेट दिखाई देगा और इसका भी आपको मार्किंग दिखाई देगी, जो कि 1:4 में होगी। अर्थात आपको ESR के लिए 1:4 में ब्लड कलेक्ट करना होगा। अर्थात 0.4 ml आपको सोडियम साइट्रेट और 1.6 ml आपको ब्लड लेते हैं, तो आपका जो डाइल्यूशन फैक्टर होगा 1:4 का होगा। तो इससे आपको ESR टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि सोडियम साइट्रेट केवल लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है और हमेशा आपको डाइल्यूशन में ही उपयोग में लेना पड़ता है। तो अगर हम इसके ब्लड ऑर्डर की बात करें सोडियम साइट्रेट का, तो ब्लड कल्चर के बाद यह पहली ट्यूब होती है सोडियम साइट्रेट ट्यूब, जिसको आपको फॉलो करना होता है। अर्थात अगर आपके पास ब्लड कल्चर की ट्यूब नहीं है, तो जब आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब कलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप ESR कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरी जैसी ट्यूब होती है, जैसे EDTA या प्लेन वाइज, उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा सोडियम साइट्रेट आपको एक रीजेंट बोतल में मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब्स का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब कहाँ कहाँ पे उपयोग ले सकते हैं? एक तो कोगुलेशन स्टडी के टेस्ट, जैसे PT यानी प्रोथोमिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम या एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, फाइब्रिनोजन, इसके लिए आप सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा ESR के लिए आप सोडियम साइट्रेट युक्त ट्यूब को उपयोग में लेना पड़ेगा।
इसके अलावा ब्लड बैंक में भी सोडियम साइट्रेट का उपयोग लिया जाता है, जिसे एसीडी कहा जाता है, यानी एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, जिसे अब प्रतिस्थापित करके सीपीडीए कहा जाता है, यानी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। तो ब्लड बैंक में भी इसका उपयोग होता है, और वहाँ भी आप देखेंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप ब्लड कलेक्शन वाली बैग देखते हैं तो इसमें आपको एक सॉल्यूशन दिखाई देगा, वो सोडियम साइट्रेट ही होता है, और उसके साथ कुछ एडिटिव मिले हुए होते हैं जो कि ब्लड को प्रिजर्व करते हैं। और अब देखते हैं कि कहाँ पर सोडियम साइट्रेट ब्लड का उपयोग नहीं लिया जा सकता है। सोडियम साइट्रेट का उपयोग हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह एक लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, और यह अगर हम ब्लड के साथ मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं कि ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे अगर हम टेस्ट लगाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन लगाए, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन लो होगा, टीएलसी या डीएलसी अर्थात आप कोई भी सेल्स काउंट करते हैं तो वह सेल्स आपको लो दिखाई देगा, क्योंकि आपका ब्लड ऑलरेडी डाइल्यूट हो चुका है। तो मुख्य रूप से सोडियम साइट्रेट का उपयोग कोगुलेशन स्टडी और ईसीआर के लिए ही किया जाता है, अन्य टेस्ट के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। जैसे हीमेटोलॉजिकल टेस्ट या बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, किसी में भी सोडियम साइट्रेट युक्त ब्लड का उपयोग नहीं लिया जाता है। सोडियम साइट्रेट युक्त ट्यूब में लिया गया ब्लड को हम सिट्रेट ब्लड कहते हैं, और अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो जो प्लाज्मा दिखाई देते हैं तो उसको हम सिट्रेट प्लाज्मा कहते हैं। तो ट्यूब में ब्लड को कलेक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इसका डाइल्यूशन बना रहे। अगर डाइल्यूशन आपका गड़बड़ा गया तो आपका रिजल्ट भी गड़बड़ा जाएगा। जैसे किसी ट्यूब में आपने ब्लड लिया और ब्लड कम है और सोडियम साइट्रेट की मात्रा बढ़ गई, तो उस कंडीशन में आपका एपीटीटी लो आएगा। इसी प्रकार से अगर आपका सोडियम साइट्रेट कम है और ब्लड अधिक हो गया है तो उस समय एपीटीटी की वैल्यू अधिक आएगी। इसके अलावा यदि आपका सोडियम साइट्रेट हीपेरिन के साथ मिक्स हो गया है, कॉन्टैक्ट में आ गया है, तो आपका एपीटीटी बढ़ा हुआ होगा। और अगर आपने सैंपल लेने में देरी की है तो भी आपका पीटी और एपीटीटी हाई आएगा। सोडियम साइट्रेट की हाई अमाउंट सेल को श्रिंकेज कर देता है और इस कारण आपका पीटी भी हाई आएगा। सोडियम साइट्रेट युक्त ट्यूब में लिया गया ब्लड से जितना भी जल्दी हो सके आप टेस्ट को परफॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यह एंटीकोगुलेंट केवल कुछ ही घंटों के लिए ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। तो सोडियम साइट्रेट के बारे में यह जानकारी आपको आई होप पसंद आई होगी। तो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए एंटीकोगुलेंट के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।